अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट इज़ एस सी एस? एस सी एस क्या है? एस सी एस किसका शॉर्ट फॉर्म है? एस सी एस है सक्सेस चेजर स्टार का शॉर्ट फॉर्म, जो आपको एक लॉन्ग टर्म सिस्टम दिखाता है अपने अंदर और अपने आप में है, जिसको आप अगर अच्छे से ग्रिप करके पकड़ लेंगे और इस सिस्टम के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह जो मेहनत आप अगले आने वाले 10 साल तक करेंगे अपने घर में अपने बच्चों के साथ, वो भी बढ़ते जाएंगे और 10 साल तक आप वो मेहनत करेंगे, ठीक है। और उसमें इतना कोई हासिल वसूल नहीं होगा जो कि आप यहाँ 3 से 4 साल मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जो आप इस कंपनी में खुद एक अच्छे रैंक पर और एक कंपनी के साथ इन हो जाएंगे और कंपनी के जितनी भी प्रॉफिट होगी उसका 2% भी आपको मिलने लग जाएगा। ये होता है लॉन्ग टर्म सिस्टम। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो SCS एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है जो कि इंशाल्लाह अगले ही आने वाले साल में, इसी साल के एंड में अपना बिजनेस दुबई तक लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह, और दुबई के साथ साथ हमारा बिज़नेस इंशाल्लाह इंडिया तक भी जाएगा। और जब दुबई में जाएगा तो हमारी जो अर्निंग होगी वो दिराम में होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप तीसरे साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ जा रही है, और आप में से ही कोई इसमें लीडर बन के निकल सकता है। अभी top 4 या 5 लीडर्स हमारे अनाउंस हुए हैं, 4 लीडर्स, और इसमें तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत अच्छी अर्निंग ली है, जैसे कि ईज़ा वहीद। तो हमारी ईज़ा वहीद है, उसने माशाल्लाह मेरे ही डायरेक्ट मेम्बर हैं वो, और मैंने उनको फेसबुक से कॉन्टेक्ट किया था। फेसबुक से कॉन्टेक्ट होने के बाद मैं खुद, क्योंकि कहीं दूसरी ऑनलाइन कंपनी से बहुत डिसहार्ट हो गई थी तो उन दिनों मैं एक्टिव नहीं रहती थी, बट मैंने ईज़ा को ऐड किया था और हुसना को ऐड किया था और बाकी भी मेंबर्स हैं शकीला, इन सब को ऐड कर अपने साथ यहाँ पर लेकर आई सिस्टम में कि भाई ये इधर सिस्टम है आप आ जाओ। और बस कहते ना कि मैं खुद थोड़ा सा एक्टिव भी रही और थोड़ा इनएक्टिव भी रही, क्योंकि एक भरोसा मेरा उठ गया था जो कि मैंने अदर कंपनी में वर्क किया था। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा, और साथ ही जब मैंने देखा ऐसा कि अर्निंग आई माशाल्लाह, उससे फिर मैंने अपने पॉइंट्स कंप्लीट किया, जो मेरी अर्निंग आई थी मैं माशाल्लाह, मैं ये कहती हूँ कि मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी ये, मैंने कहा यार ये रियल ही है, ठीक है। तो हमारा ट्रस्ट मेरा बन गया था, हमारा ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। तो आप लोग अभी आए हो तो मेरी वाली गलती ना करना। SCS जो है ना वो ऐसी कंपनी है जो आपको पॉइंट्स कहती है कि एक बार बनाओ, जो कि पॉइंट्स कभी ज़ीरो नहीं होंगे। पहले आप सिस्टम को छोड़ के चले जाओ, अकाउंट छोड़ के चले जाओ, 5 साल बाद भी आओगे आपको आपका अकाउंट, आपके पॉइंट्स वहीं के वहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपकी एडमिन ने, अगर आपकी स्पॉन्सर ने उस अकाउंट को डिलीट या ब्लॉक तक करवाया हो तो उस सूरत में आपको अपना अकाउंट वहीं का वहीं मिलता है, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ऑर्डर लाखों की तादाद में निकलेंगे और यही कंपनियां कुरियर सर्विस जो है हमें ऑफर करेंगी, और इंशाल्लाह जब तक हम अपनी ही इंशाल्लाह SCS की कुरियर सर्विस भी बना बैठेंगे। ये कंपनी SCS जो है सबसे चेजर चाहिए, FBR से भी मंजूर शुदा है, इवन कि अपने हर प्रोडक्ट पर टैक्स भी दे रही है और बोनस पर भी टैक्स दे रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो कंपनी है वो मंजूर शुदा है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से अपनी जर्नी डिस्कस करें, वैसे कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और हम औरतें ही होती हैं, हम लड़कियाँ ही होती हैं, तो मजबूत रहती हैं और मजबूती के साथ हर चीज़ को लेके चलती हैं। तो ऐसे ही एक मिसाल ईज़ा है, एक मिसाल मैमुना है, काफ़ी हैं जो बहुत सारी मिसालें यहाँ मौजूद हैं। एक मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर झेली हैं, और इसके अलावा यहाँ के अलावा ऑनलाइन वर्क में बहुत ज़्यादा मुझे हुई, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ बिलीव रखी कि ऑनलाइन वर्क होता है, मुझे ये नहीं आया सेंड में कि नहीं होता। इसीलिए मैं 3 साल एक सिस्टम से जुड़ी रही, उसके बाद भी सेलरिंग का वर्क में लगी रही 2 से 2.5 साल, फिर अभी मुझे 3 साल यहाँ हो गए, तो तकरीबन मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस बन गया तो कि ऑनलाइन वर्क है।
और जब SCS में आए तो कहीं ना कहीं जब भरोसा डगमगा रहा था तो SCS ने साबित कर दिया कि वाकई ऑनलाइन वर्क होता है, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म और इजी वे में सिस्टम भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक डिफ़िकल्ट सिस्टम ले के वो आपको चलाए आपको, और SCS ने ये करके दिखाया है कि वो बहुत सिंपल और इजी वर्क लेके चल रहा है, जिसमें अर्निंग भी बहुत इजीली है और बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग एक कहते हैं ना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में एक अलग अलग बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिनको हम बोलें तो उसमें गिफ्टिंग है, फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ प्लान? प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ से अपनी वर्क को बढ़ाएंगे, हमारी कंपनी अपनी सेलिंग को बढ़ाना चाहती है। हमारे SCS में जब एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें पूरा तरीक़ेकार देखा जाता है कि कोई कमी ना रह जाए। और अब जो हमारे पहले तो स्टिकर्स लगे हुए, जो यहाँ पुराने मेंबर होंगे वो जानते हैं कि स्टिकर लगे हुए प्रोडक्ट होते थे, लेकिन अब हमारे प्रिंटेड बॉटल्स हैं, प्रिंटेड ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो हर चीज़ प्रिंटेड होती जा रही है और रैंक पे वर्क भी मिलता है, जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अट्रैक्टिव गिफ्ट्स होते हैं और अकाउंटेंस सिस्टम लेके चल रहे हैं, जिसमें एक लीडर आती है अपने साथ अपनी टीम को लेके चलती है, और जो हमारा सिस्टम है फिर उसको टॉप लीडर में लेकर आता है और फिर उसको बहुत सारी गिफ्टिंग अर्निंग देता है। और हर चीज़ पे यहाँ पे हमारे पास अर्निंग है। प्लान ऐसा है कि गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ मौजूद है, गिफ्ट आप हर चीज़ में देखिएगा कि यहाँ गिफ्ट है। गिफ्ट की समझें कि बारिश हो रही है, तो हम समझें तो बहुत कुछ है, नहीं समझें तो कुछ नहीं है। SCS एक बहुत अच्छा प्लान लेके चल रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम लेके चल रहा है, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज से ग्रुप वाइज टारगेट भी दूंगी। और लास्ट मंथ जो भी एक्टिव था उसको देख के लकी ड्रॉ में उसका नाम ऐड करके अभी अनाउंस भी करूंगी इंशाल्लाह 9 बजे तक। और बहुत अच्छा प्लान है हमारा, प्लान यही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी, आगे इसका बहुत बेनिफिट है। जो लोग अभी शामिल होंगे वो टॉप रैंक में आ सकते हैं, टॉप 15 होंगे हमारी कंपनी में जो एक लॉन्ग टर्म सिस्टम में मौजूद रहेंगे आगे तक। और आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो अभी आपको एक्टिव होना पड़ेगा डेली बेसिस पे। 10 लोगों से भी बात करें, 10 में से 2 भी एग्री हो गए तो कोई बुरा नहीं है, और 2 में से 1 ने भी काम कर दिया तो कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश अपनी करें, कोशिश लाजमी करें। और देखें, इसमें सेलिंग की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट हमें पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार बनाने हैं, हर महीने नहीं बनाने, हर हफ्ते नहीं बनाने। हाँ, अगर आपको गिफ्टिंग चाहिए और आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं आपके अपने फैमिली फ्रेंड से, तो आप इजीली 50 पॉइंट एक्स्ट्रा बनाएं, मंथली सेल गिफ्ट लें, ठीक है। वो आपको इतना फ़ायदा दे रही है कि हर चीज़ में आपको ये जो हमारा सिस्टम है ये फ़ायदा देता है। हर प्रोडक्ट को पहले जब लॉन्च करते हैं इस सिस्टम में। अच्छा जी, ये लोगों आपको बता रहे हैं कि हमारी क्या गिफ्टिंग है, मंथली सेल गिफ्ट। मंथली सेल गिफ्ट क्या है, जो कि आप हर मंथ 50 एक्स्ट्रा पॉइंट करते हो अपने 100 पॉइंट से हट के। न्यू मेंबर पहले अपने 100 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद वो ये ऑफर ले सकती हैं कि मंथली सेल के फ्रंट को अगर इस मंथ उन्होंने जैसे नवंबर में लिया तो नवंबर या दिसंबर में उनको मंथ नवंबर के मंथ वाला गिफ्ट जो है वो उनके नेक्स्ट पार्सल में चला जाएगा, ठीक है, ड्रॉप कर दिया जाएगा, जो उनको वेबसाइट से ड्रॉप करना भी सिखाया जाएगा। आज बेसिक्स में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, इंशाल्लाह कल से मैं आपको अपना यूट्यूब पेज होगा वहाँ पे वीडियो बना के ऐड करूँगी, और आपको रोज़ाना उस वीडियो का लिंक शेयर करूँगी, या अपनी वीडियो भी यहाँ डायरेक्टली भी दे दिया करूँगी, जिसका यूट्यूब ना हो, पैकेज ना हो तो वो यहाँ देख ले। तो हर तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सीखें और खुद इतने हो जाएं कि आप लोग मुझे कुछ सिखाएं अगर मैं भूल जाऊं। बाकी मंथली सेल गिफ्ट ये है कि आपने 50 पॉइंट एक्स्ट्रा करने, अपने 100 पॉइंट सेट किए तो आपको मंथली सेल गिफ्ट मिलेगा। सेकेंड आ गया रिक्रूट बोनस। रिक्रूट बोनस ये होता है कि आप अगर कंपनी में रिक्रूट लेकर आ रही हैं, मेंबर लेकर आ रही हैं, आप जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 600, वो अपना अकाउंट एक्टिव करेगी, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो जब वो जैसे ही अपना पहला ऑर्डर लगा लेगी और उसको पार्सल रिसीव होगा, जैसे उसे पार्सल उसको रिसीव हो के पॉइंट एड होंगे और वो कैटलॉग ले लेती है और पेमेंट कर देती है, तो वैसे ही आपको रिक्रूट बोनस आ जाएगा, ठीक है, जो 50 रुपये डायरेक्ट पे आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट पे 25, फिर उसके बाद के रैंक पे 10, 5, ठीक है, इस तरीके से।
तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि रिक्रूट बोनस भी रख दिया गया, जिसकी अब तक मेरे पास 10,000 से ज़्यादा पैसे आ गए हैं, जो कि ईज़ा की टीम मेरे अंडर है। तो मुझे ईज़ा की टीम से भी बहुत ज़्यादा, एक महीने में 6 से 7 हज़ार मैंने 50 रुपये के हिसाब से, जो मैं शो करूँगी आप लोगों को, स्क्रीन शॉट शो करूँगी कि मेरे पास किस तरह रिक्रूट बोनस आया, भी शो करती हूँ। जी ये देख लीजिए मेरा अब तक का 10,372 इतना है मेरा अब तक ना बोनस। आप खुद देख सकते हैं कि ये मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ कि मेरा रिक्रूट बोनस अब तक इतना बना है। तो क्यों नहीं आप ऐसे लीडर रैंक पे अपना रिक्रूट बोनस भी उठा सकते हो बैठे बिठाए। लास्ट 2 मंथ मुझे 9 मंथ जो था उसमें मैंने अपने ऑर्डर जो 40 पॉइंट्स करने होते हैं मुझे, आप देख सकते हैं इसमें 40 पॉइंट्स दिखते हैं डायरेक्टर रैंक पे, तो मैंने रिक्रूट बोनस से ही वो कर लिए थे, मुझे पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, और ये सब मेहनत सब हमारे इनडायरेक्ट लोगों की है, लेकिन उनको हम ट्रेनिंग तो दे रहे हैं ना, तो ये पैसा हमारा इस तरह हलाल है। मैं आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोग आगे मेंबर लाओगे करोगे, तो मुझे जब इस तरह ही बोनस आएगा तो ये मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो समझे कि फ्री दे रही हूँ ना। लेकिन जब आप मेंबर लाओगे तो मुझे रिक्रूट बोनस से मेरी फ़ीस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि यहाँ कोई कुछ फ्री फंड में नहीं कमा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है तो आगे कमाएगा। अगर मैंने यहाँ पे रिक्रूट बोनस लिया है तो मैंने अपनी अब तक की जितनी गाइडलाइंस होंगी उसका ही है ना, कि मेहनत आपकी यहाँ पर सोल होती है, अर्निंग हर तरीके से है यहाँ पर। तीसरा हमारा आता है प्रोडक्ट कमीशन, तो ये तो आप लोग को नॉर्मली पता होगा कि हमारी जो कंपनी है, सॉरी कमीशन की जो स्पेलिंग है वो मुझसे मिस्टेक हुई है, दोबारा एडिट कर लूँगी, नो इशू। अच्छा मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट कमीशन है तो वो आप समझ लें कि हर प्रोडक्ट पे आपको 70% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो आपको कंपनी से एक तरह से कमीशन ही मिल रहा है, जो दुकान वाला आपका कमीशन खा जाता तो आप अपने ही पास रख रहे हो कमीशन, ये भी सोच लो। तो हर प्रोडक्ट पे अगर आप अपने लिए लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कस्टमर को भिजवा रहे हो तो आप उसको 17% ऑफ पे आप रख लो, एडवांस पेमेंट लेते हो तो वो आपको मिल जाते हैं पैसे, इस तरीके से प्रोडक्ट कमीशन कमा सकते हैं। अदरवाइज COD ऑर्डर है तो आप उसको कंसल्टेंट पे नहीं कस्टमर प्राइस पे ही से भेजो के, और जब वो पार्सल रिसीव कर लेगा कस्टमर तो आपके ई वॉलेट में उसके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये जो ऑफ़र है कॉस्ट मंथली 70% ऑफ ऑफ़र, कोई भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं हर मंथ में 3 दिन के लिए लगाते हैं और वो यकीन करें कि 1 दिन में गायब हो जाती है। जैसे अभी फेस वॉश लगाए थे वो एकदम ख़त्म हो गए, कोई भी क्रीम लगा दी, ब्यूटी क्रीम लगा दी सर ने, तो 1 दिन में ही 100 से ज़्यादा होता है कि पूरा स्टॉक ही चला जाता है, और इतनी जल्दी जल्दी सब ऑर्डर कर लेते हैं। इवन के लोग अपने और रख लेते हैं कि अगर उनके कस्टमर की डिमांड होती है और वो हमारी 70% ऑफ पे लग गई तो क्या बात है, उसमें भी हम कमा रहे हैं कि हम अगर उसको रियल प्राइस पे बेचेंगे तो उसको थोड़ी पता है कस्टमर को कि हमने 70% ऑफ पे उठाई थी, तो कितना यहाँ पे आप देख लें कि आप कमीशन कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त ऑफर होती है हमारी कंपनी की, 70% ऑफ मंथली सेल प्रोडक्ट्स कमीशन, और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिक्रूट बोनस, हर चीज़ आपको यहाँ पर सहूलत मिल रही है, हर तरीके से अर्निंग करने की सहूलत है। और औरतें तो इस मामले में जो लड़कियाँ होती हैं, हम सब तो इतनी फीमेल्स होती हैं, तेज़ होती हैं, शार्प होती हैं कि हम वैसे ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं घर बैठे, क्या बुरा है कि अगर आप इतनी अर्निंग इतनी अच्छी कंपनी से फ़ायदा उठाएं। ईच रैंक मस्ट गिफ्ट, ये क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल से समझा देती हूँ। जब मैंने बात की गिफ्ट के हवाले से कि ईच रैंक मस्ट गिफ्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंसल्टेंट रैंक पे आपको लिप ग्लॉस तो नहीं है, खैर वो हमारा चेंज होता रहता है कंसल्टेंट रैंक पर, अब जो है मेरे ख्याल से वो अलग है, ठीक है। अब बाकी कॉस्मेटिक गिफ्ट होता है, ठीक है, कंसल्टेंट रैंक पे। सीनियर कंसल्टेंट पे आपको मिलेगी वॉच, एंड नाउ कंसल्टेंट रैंक पे आपको कस्टमाइज मिलेगा, आई थिंक उसको ख़त्म कर दिया था और बैग रख दिया था, ठीक है, लेडीज़ बैग रख दिए थे एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पे, और कस्टमाइज मग जो है वो टीम लीडर पे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सेल मैनेजर पे 1500 कैश है, सीनियर सेल मैनेजर पे 5000 कैश है, और एग्जीक्यूटिव सेल मैनेजर पे 10000 कैश है। ये है मंथली सेल गिफ्ट, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं आपके हर मंथ कह रहे हैं अगर आप अचीव करते हैं अपनी रैंक को ऐसे ऐसे आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा मैं और भी इसमें चीज़ें हैं जो कि मेरे पास सर्च कर रही हूँ
जो कि मैंने ट्रेनिंग मीटिंग्स रखी हैं, अभी इंशाल्लाह सर की मीटिंग आप लोग अटेंड करिएगा शाम में, तो आपको उसमें भी बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और गिफ्ट के हवाले से जो है मैं भी और क्लियर कर लेती हूँ, एक कुछ चेंजिंग आई थी गिफ्ट में तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो यही गिफ्ट हैं, हर रैंक पर गिफ्ट है, आप बेफिक्र हो जाएँ, कैश रिवार्ड भी है, हर रैंक पर आपको कैश भी मिल रहा है। बेफिक्र हो के आप यहाँ काम करें, आप अपना एक माइंड सेट करके आई हैं कि आपने कुछ ना कुछ करना है, और घर बैठे आपने खुद मैच्योर होके एक वर्क को करना है भी सीरियसली। आप मोबाइल पे सारे वीडियोस देख रहे हो, वो टाइम आपका ज़ाया हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो हैं सारा वक्त अपना ना भी दें तो आप 2 से 3 घंटे आपके फ्री टाइम के उसमें निकालें, और उसमें आप अपनी अर्निंग के बारे में भी ना सोचें, आप सिर्फ वर्क के बारे में सोचें। जितना आप सोचेंगे वर्क के बारे में और एक सीरियसली अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप मिला है जो आपको इस पर वर्क करेंगी, तो आप बेफिक्र रहें कि अर्निंग आपकी आएगी ही आएगी, और गिफ्ट भी मिलेंगे। गिफ्ट्स सबको ही पसंद होता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ गिफ्ट मिले, और ये कितना अच्छा काम है। तो गिफ्ट लेने के लिए तो लोग बर्थडे कर लेते हैं, वेडिंग्स में गिफ्ट लेते हैं, हर चीज़ में गिफ्ट लेते हैं, तो आपको यहाँ कंपनी गिफ्ट दे रही है आपके एफर्ट्स पे, तो आपको तो लेना बनता है ना। तो आप लोग कोशिश करें गिफ्ट लेने पे, तो हम लोग वैसे ही इतनी शौकीन होते हैं लेडीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश और फोकस रखें और गिफ्टिंग से फ़ायदा उठाएं। मंथली सेल गिफ्ट अलग है, ये आपके हर रैंक पे गिफ्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही बताती चलूँ कि एक तो मैंने आपको ऊपर डिटेल से बताया कि किस चीज़ से आप लोगों को बोनस अर्निंग आ रही है, ठीक है। मंथली सेल गिफ्ट हो गया, लिक्विड बोनस हो गया, प्रोडक्ट कमीशन हो गया, 70% ऑफ पे आप किस तरह फ़ायदा उठा रहे हो वो उससे अलग आपको कमीशन मिलेगा। इस तरह आपकी अर्निंग के बारे में, इसी तरीके से आप गिफ्ट के बारे में भी देख लीजिए कि गिफ्ट आपको एक मंथली सेल गिफ्ट मिलता है, ठीक है। और मंथली सेल गिफ्ट भी आपकी एक अर्निंग ही है एक तरह की, कि आप गिफ्ट को चाहे यूज़ कर लें चाहे सेल आउट कर दें,